जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम एक नई वीडियो के साथ और ये हमारा व्लॉग आज हमारे फूड कंपटीशन पे होगा। हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट और ईरानी लोकल स्टूडेंट में कंपटीशन है फूड का, तो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, तो उस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे मुकम्मल। आज फिर हमारे साथ वही मेरे दोस्त शामिल हैं जो पहले व्लॉग और दूसरे व्लॉग में थे, मिस्टर सलमानुल सादिक, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मिस्टर अवकाश वो अभी बैंक में गए पैसे निकलवाने के लिए, स्नैप के लिए, तो उधर पहुँचते हैं, तो आपसे इंशाल्लाह आपको तमाम डिशेस, ईरानी डिशेस, पाकिस्तानी और इंडियन डिशेस दिखाएंगे, और फिर कंपटीशन में जो विनर होगा उसका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पहुँच कर बाकी वीडियो आपके साथ क्रिएट करते हैं। थैंक यू। एंड आवर माई सिस्टर रिप्रेजेंट दिस, और ये देखें डिफरेंट, हर एक ने हर टेबल पे आपको एक डिफरेंट डिशेज मिलेंगी। ये तमाम की तमाम ईरानी डिशेज हैं, ईरानी खाने चेक करें। ये मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है वो यही टेबल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक तो सजावट बहुत की है और लग रहा है कि इन्होंने डिलीशियस भी बहुत बनाया होगा। 3 से 4 डिशेज इन्होंने बनाई है। यस एंड इस टेबल पे सिर्फ एक ही डिश है। ये देखें कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट के लिए बहुत ही कम डिशेज बनाई हैं, एक एक कोई केक लेके बैठा है, और इन्होंने भी बहुत खूबसूरत सजावट की और 3 डिशेज बनाई हैं, और आई थिंक तीनों ही स्वीट हैं, लेकिन ये डिफरेंट होगी ये वाली। इनकी ये स्वीट डिश है ये वाली, ये वाली इट्स साल्टी और ओके। थैंक यू सो मच। और ये भी डिश देखे, इन्होंने एक ईरानी ट्रेडिशन को भी अपनाया है ये रख के, और बकिया ये डिफरेंट डिशेस बनाई है, साथ में खजूरें भी रखी हैं। और ये ईरानियों की तरफ से लास्ट टेबल था। Cheers. Okay. Thank you. Tell me the name. What? Okay. Nice. This one? Sweet. Okay. ओके घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन। सलाम कोबी खानम इसम चीज ओके। ये देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, और हर एक ने एक डिफरेंट डिश बनाई है। ये ईरानी खाने हैं तमाम के तमाम, और हर एक ने एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ से पाकिस्तानी खाने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे सियाल साहब सूफी भाई, ये हमारे पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखा, और दिस इज़ पाकिस्तानी फ्लैग, बिकॉज़ इधर से पाकिस्तानियों की सरहद शुरू होती है, और इसलिए पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने फ्लैग भी लगाया है। साथ में इन्होंने ये खीर बनाई है, खीर के साथ ये मटन है, और साथ में ये चाइनीज़ रायता, और शी इज़ आवर रिस्पेक्टेबल टीचर प्रोफेसर ओके। एंड दिस इज बिरयानी कुक बाय सम आवर पख्तून ब्रदर, अजीज़ ब्रदर।
हमारे मंसूर भाई और हुसैन भाई, इन्होंने भी बहुत डिलीशियस और मज़ेदार डिशेस बनाई हैं। ये इनका आई थिंक व्हाट इज़ दिस, ग्रीन मटन कढ़ाई, ग्रीन मटन कढ़ाई, दिस इज़ रायता, यस, शामी कबाब, शीरी, ओके दैट्स नाइस। ये सब मुझे लग रहा है कि मिस्टर हुसैन ने ही बनाया है, माशाल्लाह। जी और ये हमारे नाइजीरियन ब्रदर ने बनाया है अपनी नेशनल क्यूजिन, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार लग रही है। और ये हमने कुक किया है, ये हमने बिरयानी बनाई है, ये देखें ये हमारी बिरयानी है, साथ में ये सैलेड, साथ में ये कोफ्ते बनाए हैं हमने, ये कुक किए हैं हमारे भाई युकाशा ने। और ये सर मंसूरी, आवर रिस्पेक्टेबल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल प्रोफेसर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेंट। ये मिस्टर सलमान अंसारी कोकाशा, और ये मुझे रोकते हुए हमारे भाई माजिद हुसैन, आवर रिस्पेक्टेबल ब्रदर हैं। अरे कहना क्या चाहते हो जी, ये हमारे रिस्पेक्टेबल सीनियर माजिद भाई जान हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, इन्होंने स्पेशल बिरयानी बनाई है, बिरयानी है हांडी एंड हांडी। और ये भी कंपटीशन में है, कंपटीशन आज काफ़ी सख्त होगा क्योंकि इनका इनके हाथ में भी काफ़ी टेस्ट है, आप देखते हैं फाइनल डिसीजन में कौन जीतता है। जी ये सभी अपने अपने टेबल पे बैठे हैं, अपने अपने खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखें ये तमाम उधर से इधर तक, ये इधर तक जहाँ से हमारी हदूद शुरू होती है, वहाँ से हमारी हदूद शुरू होती है, पहला टेबल ही हमारा पाकिस्तानियों का है और आगे एंड तक पाकिस्तानी है और एंड पे नाइजीरियन है। How's that taste on? Oh, that's nice. Thank you so much. This is our table. अजीत भी दी तो वाच होई कन दट कई दादी तो क्लियर हां मेरे साथ है ये खाना खाना पहले सर यू ऑल्सो प्लीज, ओके सर नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। स्पाइसी एंड सर व्हाट अबाउट बिरयानी, हैव यू टेस्टेड इट? मामू होंदे थोड़े मिर्चा पानी असी तू Thank you.
ये मेरे सबसे रिस्पेक्टेबल और प्यारे अच्छे दोस्त सलमान सादिक और उकाशा है, हम तीनों ने इकट्ठा इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। हमने दो डिशेज बेसिकली बनाई थी, साथ में रहता तीसरी आप समझ लें बिरयानी और कोफ्ते, और कोफ्ते सलमान सादिक ने कुक किए थे और बिरयानी एक्सपर्ट मिस्टर उकाशा। तो देखते हैं अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। अब सभी ये बिरयानी भी आप देखें, ये हमारी बिरयानी और ये मिस्टर कोफ्ते, ये सैलड, ये रायता, और बाकी तमाम टेबल्स पे अपने अपने जो पार्टिसिपेंट हैं वो मौजूद हैं। अब देखते हैं कि कंपटीशन के एंड पे विनर कौन होता है। जी ये हमारे जवाद भाई जो कि पार्टिसिपेंट भी है, कंपटीशन में हिस्सा भी लिया हुआ है और खुद एक ब्लॉगर भी है। इनका जादू एक्सपो के नाम पे चैनल है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरी भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह ये हर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आज देखते हैं इन्होंने भी डिफरेंट डिशेज और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके प्रिपेयर की हैं, तो देखते हैं अब कंपटीशन कौन विन करता है। जो भी विन किया आपको आगाह करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।